आखिर भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतानों यानी कि लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्य वंशों का वंश आगे बढ़ा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। रावण का अंत करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये उनके प्रति प्रेम ही था, जो उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं करी। वो सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ ही यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर के बैठा करते थे। सोने की गुड़िया इसीलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया, तब उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहाँ पर शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अदिति के पिता बने और इस तरह से वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहद्बल तक। इतिहास में बृहद्बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया जाता है। भगवान श्री राम के ही वो वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमेशा धर्म के पथ पर चलने वाले भगवान श्री राम और उन्हीं के वंशज बृहद्बल कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़े थे। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने बृहद्बल को परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरे तरीके से अधिपत्य स्वयं राजा युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के चलते जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की, तब इन्हें परास्त किया और इनके साम्राज्य पर अपना अधिपत्य जमा दिया। बाकी अगर बात करें बृहद्बल के युद्ध कौशल की और उनकी शक्ति की, तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए और महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, तब इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। बाकी आप अगर इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस बारे में बता चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल पर मिल भी जाएंगी, जहां पर आप महाभारत का पूरा वृतांत जान सकते हैं कि किस तरीके से बृहद्बल ने युद्ध लड़ा था। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारे पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के दो पुत्र हुए ताशा और पुष्कर, वहीं लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, वहीं शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। कहते हैं जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब उस समय भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। श्रावस्ती की माने तो लव का राज्य उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का। वहीं रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावली आज भी बिलासपुर जिले में है और कोशल को राम जी की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में वो लोहापुर कहा जाने लगा और वर्तमान की स्थिति में वो लाहौर ही है। यहाँ तक कि इनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस, थाई नगरी, लोपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना करी। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बरगुजर, ज्यास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें बैछला और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कुछ कारण से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछुआ राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, साहिब के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। वहीं जे बी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिक इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु एक असुर के वध से हुई। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा, इसी कारण इतिहास में कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिन्होंने नंदन वंश के संस्थापक पद्मनाथ से हार कर अयोध्या को कस्बे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 362 से लेकर 420 तक रहा होगा। वहीं भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये भी आगे जाकर पूछा कि क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है। तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम कर्म अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर वंशज अमर जयपुर के सवाई जय सिंह का नाम ही था। और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम ही मिलता है। राजकुमारी दिया कुमारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में राजमंच से लोकसभा सांसद है। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही अंश हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के सच्चे भक्त जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।